नमस्कार दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की ओर से फिर से एक धोखाधड़ी दिल्ली की जनता के साथ शुरू हो चुकी है। केजरीवाल के लोग पहले तो चुनाव आयोग के नाम पर झूठा फोन करते थे कि चुनाव में आप लोगों का डाटा बीजेपी ने उड़ा दिया है। जब वो ब्लफ पकड़ा गया, चुनाव आयोग ने छापे मारे और उनके कॉल सेंटर्स को बंद कराए, तब एक नया ब्लफ इन्होंने शुरू किया है। आम आदमी पार्टी लोगों को फ़ोन करती है और कहती है, मोदी सरकार हमारे को काम नहीं करने दे रही, हम पूर्ण राज के लिए वोट मांग रहे हैं। आज ऐसे ही आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता गलती से मुझे फ़ोन कर बैठा और उसके बाद जो हुआ वो आप खुद सुनिए और लोगों को सुनाइए, ताकि दिल्ली इस ब्लफ मास्टर के चक्कर में ना आए। सुनिए, धन्यवाद। हेलो 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 जी, हाँ जी, हाँ नमस्कार जी, मैं आम आदमी पार्टी से बोल रहा हूँ। हाँ जी, 2 मिनट आपसे बात हो पाएगी सर? अभी बताइए जी। सर, क्या आप केजरीवाल जी के काम से खुश हैं सर? दिल्ली में कौन सा काम जी? केजरीवाल जी जो भी काम करते हैं मतलब दिल्ली के लिए, तो आप उसमें सर आप खुश हैं उनके काम से? मतलब क्या काम किया आप बताओगे तब ना, मैं तो दिल्ली में हूँ, मुझे कुछ पता चले तब ना। आप दिल्ली में ही रहते हैं ना सर? हाँ, दिल्ली में ही रहता हूँ। तो सर सर उन्होंने दिल्ली के लिए बहुत अच्छे से काम किए सर, जैसे कि मतलब स्कूलों की हालत सुधार दी। और जैसे हेलो हेलो हाँ बताओ सर, हम ये कह रहे थे मतलब उन्होंने बहुत से काम किए हैं सर दिल्ली में, जैसे स्कूल। हम लोगों की सारा कुड़क तो आज तक कुछ नहीं बना है, सारा कुड़क जितना है ऐसे गड्ढा पड़ा पड़ा है। कितनी बार हम लोग कहा, फोटोग्राफ हमने खींच के केजरीवाल जी को हमने भेजे थे कि कम से कम सड़क तो बनवा दीजिए पूरा बारिश, और अभी तक जो है सड़क नहीं बनी है। ये तो आप उनके काम से खुश नहीं है सर? नहीं, अब सड़क मैं कह तो रहा हूँ कि मैंने खुद ही शिकायत किया है कि सड़क नहीं बन रही है। फिर यहाँ मैं मेरे बगल में सैलून वाला है, उसको मैंने आयुष योजना दिलवाना चाहा, वो कहा, पता चला कि वो आयुष योजना लागू नहीं होने दे रहे हैं केजरीवाल जी। जी तो मैं बताओ ना कैसे, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कौन सा काम, मुझे बता दें कौन सा काम, फिर मैं करूंगा वोट। जी, आप अखबारों में सब रोज पढ़ते होंगे केजरीवाल जी हम दिल्ली वालों के लिए जो भी काम करते हैं, तो मोदी जी उन्हें खूब मोदी जी उसमें खूब अड़चन लगाते हैं। मोदी जी अड़चन नहीं लगा सकते, मुझे कानून का ज्ञान है, मैं खुद ही एक जर्नलिस्ट हूँ, उसमें मोदी जी अड़चन नहीं लगा सकते हैं इसलिए। और सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम जी हमारी सर जी बताओ 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 जी सर, हमारी बहुत सी मतलब बहुत सी फाइल रुकवा के रखी हुई सर, बहुत से काम पेंडिंग कर रखे हैं। नहीं नहीं, बहुत सी फाइल देखिए, आप जब केजरीवाल जी के आंदोलन को भी मैंने बहुत नजदीक से कवर किया है, और जब वो आंदोलन में थे, शीला दीक्षित वो कह रहे थे शीला दीक्षित काम नहीं करती, वो सब जानते हैं कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, संविधान के अनुसार पूर्ण राज्य नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कह दिया है कि नहीं हो सकता, तब वो जो ये मिसलीड कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, इसी में 15 साल शीला दीक्षित ने काम किया था ना, इसी माहौल में शीला दीक्षित ने काम किया था, और अब आप कह रहे हो चुनाव से ठीक पहले के पूर्ण राज्य चाहिए, तो आपको इसका मतलब या तो ज्ञान नहीं था या आप मिसलीड कर रहे थे लोगों को। और सुप्रीम कोर्ट ने जब देश में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई ऑथोरिटी नहीं है, तब सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया है तो कैसे ये करेंगे आप अगर यहाँ से 2 सीट जीत भी जाओगे, 1 सीट जीत भी जाओगे, मान लें हमारा वाला हम लोग सीट जीत भी जाओगे, तो आप पूर्ण राज्य तो नहीं बनवा पाओगे, ये फिर मिसलीडिंग वाली बात है, सुप्रीम कोर्ट खारिज करेगा उसको, तो कैसे करोगे, ये मिसलीड वाली बात है ना। उनकी जो असली उनके जो मुद्दे थे वो उस मुद्दे पे लड़े, हम लोगों की सड़क मतलब सड़क खोद के पूरा छोड़ दिया है, शीशराम पार्क में बी ब्लॉक में देखो सड़क एकदम नरक है, हमने हम निकलना मुश्किल होता है घर से। जी तो हमको तो जिनको केजरीवाल जी को दिल्ली के हम लोगों ने चुना था सड़क बिजली पानी ये सब सारी चीजों के लिए, वो छोड़ के वो दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कभी ममता बनर्जी के साथ, कभी तेजस्वी यादव के साथ, कभी शरद पवार के साथ, हमने इसके लिए तो चुना नहीं था उनको, हम तो दिल्ली को एक मॉडल स्टेट बनाते फिर वो देश भर में जाते, ये तो और अच्छी बात होती कि दिल्ली हमने ऐसा बनाया, दिल्ली तो आधी लटकी पड़ी है, अब पूर्ण राज्य चाहिए। तो क्या सर आप? नहीं मैं तो देखो, अब मैं तो खुद को कई फोटोग्राफ तो उनको ट्विटर पर टैग किए हैं, और जिस तरह से आजकल वो जो 2-3 उन्होंने ट्वीट किया है उससे तो मैं मेरी भावना बहुत ज्यादा आहत हुई है। एक बार वो स्वास्तिक को झाड़ू से दौड़ाते हुए उन्होंने, कल गुड़गांव की घटना को हिंदू मुस्लिम से जोड़ दिया, क्रिकेट का मामूली झगड़ा हिंदू मुस्लिम वो कर रहे हैं, हमने तो ऐसे मतलब ऐसे मुख्यमंत्री चुना था जो
जात पात हिंदू धर्म मजहब की बात ना करके विकास और भ्रष्टाचार इस पे काम करे। वो रोज हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये दिल्ली जैसे एक छोटा सा हिंदुस्तान है दिल्ली। अब यहाँ देख लो कल का ट्वीट देखो, इतना आहत हुआ है हम लोगों का मन। पढ़ तो वो स्वास्तिक को झाड़ू से दौड़ा रहे थे, स्वास्तिक हिंदुओं का एक पवित्र प्रतीक है, क्या जरूरत है हिंदू मुस्लिम करने की। तो मैं तो उनको ट्वीट करके कहा कि मैं किस लिए चुना था दिल्ली वालों ने, आप क्या कर रहे हो ये। हमें तो दुख होता है कि उस आंदोलन में भाग लिया, सब किया, हमें तो दुख होता है बहुत ज्यादा। जी जी, तो सर क्या आप मानते हैं कि अगर हमने फिर से मोदी जी को वोट दिया तो फिर से दिल्ली वालों के काम रोकेंगे? भाई मोदी जी को वोट दिया तो दिल्ली वालों को काम वो रोक ही नहीं रहे, तो हम कैसे मान ले तुम्हारे दिल्ली वाले के काम हम रोकेंगे? दिल्ली वालों का कौन, एक बात बताओ सुनो, अब आम जनता है हम, ये जो स्काईवे बना हुआ है प्रगति मैदान पे, अब मैं आपको बता रहा हूँ, स्काईवे प्रगति मैदान पे बना, वो केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने जब बनाना चाहा, केजरीवाल जी ने फंड रोक दिया, फिर वो स्काईवे बना, फिर मोदी ने जी की आयुष योजना है केजरीवाल लागू नहीं होने दे रहे हैं, आप कह रहे हो मोदी की योजना केजरीवाल रोक रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मोदी की योजना को केजरीवाल ने रोक रखा है, न कि केजरीवाल की योजना मोदी ने रोक रखा है। तो हमें तो आयुष योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है जो केंद्र ने लागू किया, स्काईवे केंद्र सरकार ने बनाया, अभी फोर्थ फेज के मेट्रो का वो बजट रोक रहे थे, वो भी हम अखबार में पढ़ रहे थे। तो कैसे कह रहे हो आप, बिना फैक्ट के आप लोग बात करते हो यार। अब ये चीज है ना, आप अपना स्टडी के साथ बात करा करो, क्योंकि हम जनता है, हमारा एक वोट महत्वपूर्ण होता है ना, हम तो सवाल करेंगे करेंगे। केजरीवाल खुद सबसे सवाल करते हुए राजनीति में आए थे ना, तो हमारा तो काम है सवाल करना। मैं तो आपको बता दिया, सड़क से लेके स्काईवे तक और आपको आयुष से लेके मेट्रो तक सब बता दिया, रोक केजरीवाल जी रहे हैं, नाम मोदी का आप लोग ले रहे हो। ये तो उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, इसलिए प्लीज आप स्टडी के साथ बात करना, स्टडी के साथ फोन करना, जब आपको लगे कि जो मोदी जी ने ये योजनाएं रोकी हैं, मैं आपको चार योजनाओं के नाम बता दिए, आप बता दीजिए मोदी ने कौन कौन सी योजनाएं। केजरीवाल जी ट्रांसफर पोस्टिंग चाहते हैं ताकि उसमें पैसे का खेल हो, ट्रांसफर पोस्टिंग तो हो नहीं सकता क्योंकि दिल्ली फोन रहते हैं नहीं। सर जो हमने सर हमारी एक फाइल अटकी हुई है सर, वो 1000 बसें लॉन्च करना चाह रहे हैं सर केजरीवाल जी। बस जो है डीटीसी, सुनो डीटीसी जो बस है अभी भी आई थी, डीटीसी बस दिल्ली सरकार के अधीन है, 550 करोड़ रुपए इन्होंने अखबारों के विज्ञापन पे खर्च किए, शीला दीक्षित के समय सिर्फ 25 करोड़ का विज्ञापन का बजट था, इन्होंने 550 करोड़ किए, वो बस में नहीं जा सकता था, बस की फाइल कोई नहीं रोकता, कोई उपराज्यपाल नहीं रोकेगा। आप ये सोच के बताओ ना कि भाई दिल्ली में, मैं आज से नहीं हूँ, मैं दिल्ली में 2002 से रह रहा हूँ, शीला दीक्षित के भी शासन देखे हैं और ये भी देखे हैं, इस तरह की स्थिति हम लोग तो मजाक बन जाता है हमारा दिल्ली से बाहर की आपने क्या मुख्यमंत्री चुना है, और हमने तो सब पूरा उम्मीद क्या सुना हुआ था। आप स्टडी करके मुझे चार योजनाएं बताओ, कल फोन करो, उन योजनाओं पे संतुष्ट होगा तब जवाब दूंगा मैं, ठीक है? ठीक है, ठीक।